हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आजकल मोदी गवर्नमेंट के एक आईएएस ऑफिसर को हम लोग हर रोज न्यूज चैनल्स पर 4 बजे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की ब्रीफिंग करते हुए देख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लव अग्रवाल जी के बारे में। लव अग्रवाल जो कि अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, जो कि एक आईएएस हैं, और आज मैं इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो लव अग्रवाल का जन्म 19 फरवरी 1972 यानी 19 फरवरी 1972 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी के जी अग्रवाल जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं और पिछले 45 साल से सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो केजी अग्रवाल जी बताते हैं कि सहारनपुर में वैसे तो उनको उनके प्रोफेशन की वजह से लोग उनको जानते ही हैं, लेकिन आजकल लव अग्रवाल जी के वजह से लोग उन्हें पहचानने लगे हैं और कहते हैं कि आप लव अग्रवाल के पिताजी हैं, जिसको वो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, जिस पर उनकी माँ का नाम है विजया रानी अग्रवाल जो कि एक हाउसवाइफ है, और उनके 2 भाई और एक बहन है। लव अग्रवाल जी की शादी नीरजा अग्रवाल से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, मेहुल और गौरी। तो शुरुआत के दिनों में लव अग्रवाल सहारनपुर में ही पढ़े हैं, सेंट मैरी स्कूल में, और शुरुआत से ही पढ़ाई में बड़े होशियार रहे हैं। और बचपन से ही इनके पिताजी बताते हैं कि लव अग्रवाल को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही वो ज्यादातर ज्यादा समय किताबों को पढ़ने में व्यतीत करते थे और खेलकूद में इतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं होता था। तो मुंशी प्रेमचंद जी की किताबों का उनके जीवन में बहुत बहुत महत्व रहा है, जैसा कि उनके पिताजी बताते हैं कि उनकी किताबें उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। सामाजिक मुद्दे जैसे सोशल इश्यूज एंड करप्शन पर इन्होंने बचपन में ही बहुत सारी बुक्स पढ़ ली थी, और मुंशी प्रेमचंद जी की शुरू से ही किताबें इन्हें बड़ा अट्रैक्ट करती थी। तो लव अग्रवाल जी के पिताजी बताते हैं कि जब वो 12th में थे, तो लव अग्रवाल क्योंकि उनके पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जब भी लव अग्रवाल को समय मिलता था तो उनके पिताजी उनको ले जाया करते थे अपने साथ अपने ऑफिस में काम सिखाने के लिए या बताने के लिए कि काम कैसे होता है, अकाउंट्स वगैरह का। जब 12th के एग्जाम हो गए लव अग्रवाल के, तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि आई वॉन्ट यू टू बिकम अ सी ए लाइक मी। तो उनके मन में वो IIT का भूत सवार था और वो चाहते थे कि IIT करें, तो उन्हें अपने पिताजी की बात को मना ना करते हुए ये कहा कि एक काम करता हूं, मैं IIT का एक बार एंट्रेंस देता हूं, और अगर मैं IIT क्लियर नहीं कर पाया तो फिर मैं CA करूंगा। तो उनके पिताजी ने बोला कि IIT करना इतना आसान नहीं है, तो तुम्हारे पास समय भी कम बचा है। तो लव अग्रवाल ने उस चीज़ को बड़ा चैलेंजिंग लिया और उस उनने कहा कि आप मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं क्लियर कर सकता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। तो उन्होंने एंट्रेंस दिया और पहली बार में उन्होंने IIT का एंट्रेंस निकाल लिया, और फिर आगे उन्हें अपने पिताजी के साथ डिस्कशन किया और उनके पिताजी ने कहा कि आप आगे IIT की पढ़ाई करिए। तो उन्हें IIT दिल्ली से IIT कंप्लीट किया, IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी 1993 में। फिर उसके बाद लव अग्रवाल चाहते थे कि वो अब्रॉड मतलब विदेश में जाके अपनी हायर स्टडीज फर्दर कंप्लीट करें, लेकिन उनके पिताजी ने उनसे कहा कि एक बार तुमने अपनी बात मान ली, तुमने अपनी बात मुझसे मनवा ली, अब मैं चाहता हूं कि तुम एक बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो। तो लव अग्रवाल ने कहा कि क्योंकि उनका नेचर था बचपन से ही बड़ा चीजों को एक्सेप्ट कर लेना और इनोवेटिव तरीके से अपनाना, जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उन्हें कहा कि अगर मैं IAS का एग्जाम दे रहा हूं तो सिर्फ मैं देने के लिए नहीं दूंगा, मुझे फिर उसको क्लियर करना है, क्योंकि मैं आप बोल रहे हैं एग्जाम दे दो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एग्जाम दे ही दूंगा और बस मैं बैठ के आ जाऊं, ऐसा नहीं, मैं एग्जाम दूंगा तो पास होने के लिए दूंगा। तो इसी तरह से लव अग्रवाल ने एग्जाम में अपियर हुए और थर्ड अटेम्प्ट में 1996 में उन्होंने IAS क्लियर किया विद AIR, मतलब ऑल इंडिया रैंक, पूरे इंडिया में उनकी 21st रैंक थी। अब जो पिछले 2 अटेम्प्ट थे उनके, उसमें भी लव अग्रवाल ने प्री और मेंस निकाल लिया था, लेकिन इंटरव्यू में वो किसी न किसी वजह से रह जाते थे। तो लव अग्रवाल जी के जो नेचर के बारे में उनके दोस्त बताते हैं, उनके कलीग्स बताते हैं, उनके घर वाले बताते हैं कि बहुत ही शांत स्वभाव के रहते हैं, शांत स्वभाव के हैं, और उनके बैचमेट्स बताते हैं कि वो हमेशा ही बहुत इंटरेस्टेड होते थे क्लास अटेंड करने में, जबकि कुछ दिनों में कभी कभी ऐसा होता था, अक्सर ही साधारण तौर पर किसी भी कॉलेज में होता है कि कोई बच्चा कभी क्लास नहीं जाना चाह रहा है, पूरा ग्रुप बंक मार रहा है, लेकिन लव अग्रवाल उसके बाद भी इंटरेस्टेड होते थे कि वो क्लास में जाके पढ़े और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आए। लव के दोस्त बताते हैं कि जब भी छोटे शहरों से जो स्टूडेंट्स आते हैं मेट्रोज में पढ़ने, तो शहर जो बड़े शहरों की चकाचौंध में कहीं खो जाते हैं, अपने अपने आप को भूल जाते हैं, बट लव अग्रवाल ने कभी ऐसा नहीं किया, उन्हें उस चीज़ को बहुत नेचुरली लिया कि जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने ऐसा कहीं प्रिटेंड नहीं किया कभी भी अपने बिहेवियर में कि कोई वो छोटे शहर से हैं या दिल्ली में आके वो चीज़ों को देख के बहुत अमेज्ड हो रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। उनके फ्रेंड VD कोचर बताते हैं कि जब उनके साथ जो IIT का हॉस्टल शेयर किया है उन्हें, कि एक लव अग्रवाल के पास एक ब्लू मोटर बाइक हुआ करती थी कावासाकी, जिसको उनके पूरे बैच ने एक ना एक बार चलाया ही है, मतलब लव अग्रवाल ऐसे खुले दिल के इंसान थे कि उनकी जो बाइक थी उनके पूरे बैच ने कम से कम एक ना एक बार तो चलाई होगी, मतलब कि जिसको जब जरूरत पड़ती थी तो उनसे चाबी मांग के उनकी बाइक को ले जाया करते थे। और उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि सिर्फ बाइक ही नहीं, लव अग्रवाल ने जो उनके नोट्स हुआ करते थे वो भी वो लोगों के साथ शेयर करते थे, ऐसा नहीं करते थे कि अपने नोट्स अपने पास रखे हैं और वो किसी को दे नहीं रहे हैं, तो वो कभी भी उन्होंने प्रतिस्पर्धा को गलत तरह से नहीं लिया।
फिर उनके सिविल सर्विसेज करियर के बारे में बात करें तो उनकी सबसे पहली पोस्टिंग हुई थी आंध्र प्रदेश के कृष्णा में, जहां पे उनको सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में असिस्टेंट कलेक्टर जूनियर स्केल के पोस्ट मिली थी। और फिर उसके बाद लगातार वो डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर और कलेक्टर, डीएम और बहुत सारे। लव अग्रवाल की एक बहुत खास बात रही है, जो उनके कलीग्स बताते हैं जो उनके साथ काम किए हुए हैं, उनके घर वाले भी बताते हैं कि वो ऑफ द बीट जाके काम करते हैं। ऑफ बीट मतलब होता है कि लीक से हटकर काम करना, कि एक सेट पैटर्न से अगर काम नहीं होता है तो वो दोबारा ही उस पैटर्न से काम नहीं करते। उनके खुद के अलग तरीके होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज के अगेंस्ट जाके कुछ करते हैं, नहीं, वो विद इन रेस्ट्रिक्टेड टू द पॉलिसीज ही काम करते हैं, लेकिन उसको तरीका अलग होता है उनका। टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व देते हैं और उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि, और अभी कर भी रहे हैं, कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्थ को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। आंध्र प्रदेश में कुल्लूर लेक है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। जैसे गवर्नमेंट को मछली पालन से अच्छी रेवेन्यू होती है, वह बहुत समय से माफिया गैंग के कब्जे में था। लव से पहले कोई भी आईएएस माफियाओं के कब्जे नहीं हटा पाया था, तो आंध्र प्रदेश में लव को यह जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने सिर्फ 1.5 साल में कुल्लूर लेक से माफियाओं के कब्जे पूरी तरह से अलग करवा दिए थे। इसके बाद लव को बहुत रिकग्निशन मिला और ये शायद ये वही मौका था जब लव बहुत हाईलाइट हो गए थे। और उन्होंने फिर उसके बाद उन्हें 28 अगस्त 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ग्लोबल हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी, मेंटल पॉलिसी, इन सब चीजों में काम करने का मौका मिला। शायद यही वो ऐसा समय था जब लव अग्रवाल को बहुत सारे लोग एनवायरमेंट सेक्टर में और बहुत सारी जगह पे उन्हें जानने। शुरुआत में जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी इंडिया में, जब शुरुआत के केसेस होते थे, तो लव अग्रवाल ने ही एयरपोर्ट्स पे बहुत सारे क्वारंटाइन जोन बनाए थे और बहुत सारे सुटेबल मेजर्स लिए थे। उन्होंने बहुत सारा काम करवाया था कि ये डिसीज आगे ना बढ़े और अलग अलग तरह से लोगों को अवेयर कराया था। तो उसी की वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें स्पोक्स पर्सन का यह जॉब दिया। और डॉक्टर जॉन है, पब्लिक हेल्थ रिसर्चर है जो जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के हैं, वो बताते हैं कि क्योंकि WHO में उन्होंने उनके साथ बहुत काम किया है, तो बताते हैं कि लव अग्रवाल कि बहुत इनोवेटिव टेक्निक्स होती हैं और टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व देते हैं, रिलेट करते हैं उसको हेल्थ से। तो ये जो कॉलर ट्यून हम सुनते हैं COVID-19 की, जब हम फोन कर रहे हैं आजकल हर किसी को, तो जो कॉलर ट्यून आ रही है कि COVID-19 के जो मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत अलग अलग तरह से हर किसी को हम फोन कर रहे हैं, तो वो एक कॉलर ट्यून जो सेट है, आप सब जानते हैं, फोन कर रहे हैं जो आजकल, तो COVID-19 के बारे में जो बताया, उसमें लव अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान है। और ये उन्हीं का सुझाव था कि इस तरह से कुछ किया जाए जिससे पब्लिक में एटलीस्ट कॉल करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो जानकारी मिले, लोग इसको सीरियसली लें, क्योंकि लोग शुरुआत में जिस तरह से इटली में हुआ था, वो नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरह से इटली जैसी सिचुएशन इंडिया की ना हो जाए। द प्रिंट ने जब लव अग्रवाल से कॉन्टेक्ट किया कि हम आपके बारे में लिखना चाह रहे हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लव अग्रवाल ने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू रिप्लाई किया कि मैं अपने बारे में बता तो दूंगा, लेकिन आपको अगर लिखना ही है तो आप उनके बारे में लिखिए जो लोग एक्चुअल में फील्ड पे काम कर रहे हैं, हु आर डायरेक्टली डीलिंग विद द पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस एंड हु आर वर्किंग एट हाई रिस्क, जैसे हेल्थ स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, पुलिसमैन हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पूरा हो गया, बहुत सारे एनजीओज हो गए जहां पे वॉलंटियर्स, जिनके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। तो मीडिया का और लव अग्रवाल का शुरू से ही बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशन रहा है, क्योंकि लव अग्रवाल बहुत ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, और जब भी मीडिया उनसे किसी भी मुद्दे पर रिलेटेड सवाल पूछती थी किसी और चीज के बारे में, उसको रिलेट करते हुए, तो वो बस यही बोलते थे कि मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच।